मानल इतवार के ब्रह्म बाबा स्थान बताओ यही जी बाई एगो के घर बता अच्छा जाई काम बताओ हां मार के बिगड़े नदी में आ सोमवार के दिन ले जाके बिगले वाला वहाँ पटेरी में बदनाम हो हाँ। गए डर है हवा मालूम हो गए मेरा दौड़े लगे बस नम्बर देते फोन कौले तो कहां हमें बताओ तो वहां से उठा के लाश ले जाके पटेरी बिगले ले नमस्कार मैं मितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी वी सिवान आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी वी सिवान की टीम पहुंची हुई सिवान जिले के बसंपुर थाना क्षेत्र के मूड़ा गाँव में अभी मूड़ा गाँव पहुँचे और आप देख सकते हैं इस गांव के काफ़ी लोग हमारे भी मौजूद हैं बता दें कि यहाँ बहुत बड़ी घटना घटती है दर्दनाक घटना घटी है जिसके बाद यहाँ परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी लोग मौजूद हैं इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे जानने का प्रयास करेंगे घटना क्या घटी है कब घटी थी घटना की पूरी सच्चाई क्या है लेकिन इन लोगों से बात करने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं जैसा कि आपने देखा था कि कल देर शाम यानी सोमवार की देर शाम जो है महाराजगढ़ थाना क्षेत्र के पटेड़ी चवर में यानी पेट्रोल पंप के ठीक सामने एक चवर में जो है एक युवक का वहाँ से सौ बरामद किया गया था संदिग्ध प्रति में सौ युवक का बरामद किया गया था जिस युवक की मौत हुई थी उसके दोनों हाथ जो है दुपट्टे से बंधे हुए थे साथ में गर्दन में भी जो है दुपट्टा था और उसका शव जो है चंवर से बरामद किया गया था ठीक उसके सामने पेट्रोल पंप था एक भट्टा था यानी चिमनी थी और उसी के जस्ट सामने एक चंवर है और उसी चंवर में संदिग्ध पद्धति में उस युवक का शव बरामद किया गया था उसके बाद वहाँ पर हाहाकार मच गया था महाराजगढ़ की जो प्रशासन है वो दल वर्ग के साथ वहाँ पहुँची हुई थी शौ को अपने कब्जे में मिली थी और पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया गया था हालांकि उस समय जो है सौ की पहचान नहीं हो पा रही थी जिसकी मौत हुई थी वो व्यक्ति कौन था उसके पिताजी कौन थे वो कहाँ का रहने वाला था कैसे उसकी हत्या हुई इसकी जानकारी जो है नहीं मिल पा रही थी लेकिन आज इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको खुलासा करने वाले हैं और दिखाएंगे कि जिस युवक का शव बरामद किया गया था जिस युवक का शव पटेड़ी चवर से बरामद किया गया था उसकी पहचान हो चुकी है उसके परिजन जो है उसके जो पिताजी हैं वो हमारे भी मौजूद हैं साथ में उस गांव के लोग जो हैं वो भी हमारे भी मौजूद हैं आज हम इसका खुलासा करने वाले हैं कि आखिर वो जिस युवक की मौत हुई थी उसका नाम क्या था उसके पिता का नाम क्या था का रहने वाला था और उसकी हत्या कब हुई और किसने उसकी हत्या की कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब आज जानने के लिए आइए देना करते हुए सीधे हैं हैं बात करने का प्रयास करते आप देख सकते हैं कि इस गाँव के काफी लोग हमारे मौजूद हैं साथ में जिस युवक की मौत हुई है उसके पिताजी हमारे मौजूद हैं इनसे हम मिलेंगे इनसे बात करने का प्रयास करेंगे जानते सच्चाई क्या है क्या नाम पड़ेगा आपका भुवनेश्वर महतो भुवनेश्वर महतो जी अच्छा रे बेटा की मौत हुई का नाम बेटा के रंजन रंजन महतो रंजन महतो कितना साल के उम्र कितना चौबीस साल चौबीस साल के बड़े शादी हो गुल बा? ना और संतान चार बेटा चार गो चार बेटा जी कौन नंबर होलो हम तीसरा तीसरा नंबर जी अच्छा इनका मौत कब भइल हो मौत बा सात बजे आठ बजे करे में रात में सोमवार इतवार के इतवार के मंगलवार एगो नाम चंदन नाम चंदन नाम का पड़ी? उ, अच्छा। आ, एगो नाम 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 चंदन चंदन लड़का पड़ी अच्छा सुनील लोग फोन बोला के ले बालो। आ, के मुझा, मुझा, मुझा के तो बा लोग आ दस मिनट के बाद में मोबाइल लड़का के बाद बाला उहे लो लो मार के बा लोग यानी चंदन सुनील सामने घर बा

दस पंद्रह मिनट के बाद में तो बंद लगा फिर, फिर बाद में फोन नहीं लगल तो सवेरे हम पूरा खोज ला बानी सनिया घर तले तो जाके बाद में पुलिस के लगे कम्प्लेन करें बानी में पुलिस कहता एक हफ्ता के बाद मेंसनपुर थाना बसतपुर थाना में मैडम जी कहा पता लगल मार दिल मारा सनिया लगल सन घर बंद क भागे के वो जी के टोटल घर बंद बा टोटल बंद बाबे तो फिर जाके पुलिस के फोन फोन कैले गोल बनी हो जाए थाना में तो पुलिस आके देख ले तो जी सर घर बंद पाब अच्छा हमारा समझ में खत हम जो भी दर्शक बालू उनका समझ में खिहा घटना कैसे घटल मान ली कि इतवार के शाम के गो उनका दोस्त जे बा हाँ, ਉਗਰਾਬਾਦੀ ਕੋਇਲ ਬੜੇ ਕੋਇਲ ਬੜਾ ਅਦਸਮੇਰਪਾ ਮੋਸ ਚੋਫੋ ਹਾਂ ਸੀ ਚੋਫੋ ਕੋਇਲ ਬੜਾ ਅੱਜ ਬੋਲੇਰ ਨੂੰ ਕਾ ਨਾਮ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਮਨਜਨ ਨਾਮ ਹਟ ਨਹੀਂ ਆ ਚੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਨੀਲ

काले काले से, काले से अच्छा, महाराजगंज के थाना लेकर पोस्टमार्टम खातिर तो खबर आए बसतपुर थाना में तब जी बड़ा बाबू चलत एगो लाश ऐल सीमान में न चल चिन्ह लियो तो हम हमार परिवार एगो बन लड़की गईनी तब पहले हम कनी रोकत लोग और मज जा लोग हम गईनी तो हम चिन्ह गए नहीं हं पुराट दाला गाला है चक्कू से मार के है। खाली ये तो टोटल तीन तो मनी लागल ला बा मरल से एकदम बहल बाद मे आनी हे जने गिरने दाँतोतला गिर अब वो जब पोस्टमार्टन मनी बतेव देताल पोस्टमार्टम तो मौत हो गा सवेरे आज सवेरे जी जी तो वो के नहीं है सिवान बड़े बाप बोला नहीं हम रखे नहीं। गाड़ी पर अपना उसे बॉडी लेके हाँ हाँ बॉडी लेके लेकर नहीं संगे संग बुला के लेके गई नहीं है वो सभी रोड भी जाम के नहीं, संग, 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 के के नहीं।, नहीं।, नहीं। जी और बाद में नहीं है ये जी लाश लिए नहीं है और बाद में नहीं एक दो आदमी कलक ये चल के जाम कर सब प्रशासन आई तो कुछ बात करी है तब ले जा करो जाम कोई नहीं हो अच्छा कहाँ लगा था कि जिस तरह से रोबा बेटा के मालूम गिल चाकू से वार से के लिए बा रोबा कहते हैं चाकू से मालूम बटे साफ खत्म बा हाँ नहीं मन मनी लगा रहा अच्छा पीछे थोड़ा सा मार तो हाँ, गिल हाँ गिल तानी मन मनी बांस लगा लगा आह यहाँ के एकदम खत्म बाहर ये सब बर्न ही सब खत्म रहा और हाथ भी बंधर है हाथ पीछे से बांधा लगा हाँ वो जी खोला ही लगा वो पोस्ट लगे हाँ

अब ओकरा में घरे ना हम आइल बा खा के सुतल बा तब फोन करके बोलव ले बड़े सन हां अच्छा तो ये कैसे रोक सकता नहीं कि दो आदमी मरले बाटे कैसे क सकता नहीं के मरले बा जे बोलाई वो ही हम हम है फोन करके वही हम दिक्कत हम कहे सब कुछ बात का लगता के मरले बा सुनील मरले बालन अरंजन चंदन मरले बालन सुनील और चंदन जी ओ लोगन का दोस्त हो हां अच्छा दोस्त का है दोस्ती मारे का है बंदबा जब से सुन बाद में एक घंटा के बाद में घर और बंद करके सारा जना ना पता जी के बालो हाँ। घर में ताला बंद बा टोटल ताला बंद बा दोनों आदमी घर दोनों घर में नहीं है और दो जने बड़े नहीं का अच्छा उनको घर में दो ताला घर वो बंद काई सब जब सामने सामने घर पे तो नहीं चीज देख सकत है कहां मरले हुई का कुछ अंदाजा मिलता

अच्छा कैसे घटना घटल पता है जानकारी कुछ आपके जानकारी हुआ आठ बजे खा कर छत पर सुत रहा था वो फोन किया लो। लो? वो नाम चंदन सुनील हुँ। हुँ। तो कहते खागत रह तब क्या करे तो चलिए चौपा के हम चल आएंगे को बताइए हाँ जो हम चौपा के चल आएम तो सरवा नहीं हम आठ टाइम पर जो हुए गई बाद

हवा मालूम हो गल मेरा दौड़े लगे दे देते फोन तो कहाँ में बताओ तो वहां से उठा के लास्ट ले जा पटेट बिकले बो अच्छा कैसे कौ सकता नहीं कि लोग मरले बाटे कहा ना कर सकता है झूठ बोल दी कौन चीज से मारल बटे पूरा गर्दन काट दा चीज से चाकू से चक्ट पूरा गर्दन खत्म कहाँ में लगलो कोणार बरम बाबा तर कोइसे कस जान कि ओही जे मारल बटे ओ जी बात तो मिलल हो पटेड़ी पटेड़ी तो... ए जी मार के तब वहां गइल बाप कोनो दुश्मनी पहले वाले से या कोनो बात एक साथे रहत लान सन अच्छा दोस्त कहे कि ओके मारी जब झगड़ा भइल नहीं के कुछ मामला ही नहीं तो कहा तो... कहा है नहीं के तो मार ये तो सर हम नहीं खेने का खाते भइल बा बाकी एक साथे तीनू रहल सन ये हमरा मालूम नहीं तो कह दी काय खाते बदले बारे से काय खाते ना तीन दिन पर लास्ट मिलल अच्छा तो रोड सब रोड जाम कर नहीं। तो प्रशासन का आश्वासन दिलाफ के प्रशासन को अलग हम मंगनी प्रशासन से खून के बदला खून चाहिए जी पैसा हम, देता नहीं। के तो ना चोकरा का हम दे पैंस लाख के अभी कर पैसा नहीं चाहिए धके हे दे खून के बदला खून पैसा एक रुपये नहीं चाहिए बस तो बात आश्वासन का मिले प्रशासन का हटा दल

तो आप देख सकते हैं कि अभिनु टी वी सिवान जो टीम है वो सीवान जिले के बसमपुर थाना क्षेत्र के मोड़ा गांव पर पहुंची है और बता दें यहां दर्दनाक घटना घटी है यहां की एक युवक की जो है हत्या कर दी गई है गला रेत कर हत्या की गई है और उसके शव को जो है महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेड़ी चवर में फेंक दिया गया संदिग्ध प्रति में उस युवक का वहाँ से शव बरामद किया गया है बता दें कि ये घटना जो है जिस तरह से पर्दे बता रहे हैं कि इनका जो बेटा है वो एतवार से ही घर से गायब था एतवार को शाम को जो है उनके दो दोस्तों ने फोन किया पार्टी के नाम पर उसे बुलाया गया उसके बाद इनका बेटा जो है वहाँ पे गया उसके दस मिनट के बाद उसका मोबाइल ऑफ हो गया और उसके बाद आ... इन लोगों ने अपने बेटों को खोजने के लिए काफ़ी प्रयास किया कई जगहों पर ढूंढा भी लेकिन इनका बेटा कहीं नहीं मिला उसके बाद सुबह हुई सुबह भी जो है यानी सोमवार की सुबह में जो है इन लोगों ने काफ़ी खोजबीन की तब भी उनका बेटा जब नहीं मिला तब इन लोगों ने जो है बसंतपुर थाने में केस किया और आवेदन दिया आवेदन में ये बताया गया कि इनका बेटा जो है रात गुम है और दो व्यक्तियों ने उसे बुलाया था तब से वो गायब है इसको लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया था लेकिन सोमवार की देर शाम जो है महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटीड़ी चवर में जो है उसका शव बरामद किया गया बता दें पटीड़ी में जो पेट्रोल पंप है ठीक पेट्रोल पंप के सामने जो है एक चवर है और उसी चवर में संदिग्ध प्रति में युवक का शव बरामद किया गया था हालांकि उस समय उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी आज जो है उसकी पहचान हो पाई है लेकिन जिस तरह से बता दें कि यहाँ पे दो व्यक्तियों का नाम आ रहा है दो युवकों का नाम आ रहा है परद कह रहे हैं कि दो लड़कों ने मिलकर जो है उनके बेटे की हत्या हाँ की है कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है ये आरोप जिस तरह से लगा रहे हैं ये तो अब जांच का विषय पर जांच करेगी लेकिन बताया भी जा रहा है कि जिसपे आरोप लगा रहे हैं वो लोग अपने घर को छोड़कर फरार हैं उनके घरों में तालाबंद है और प्रशासन जो लगातार वहाँ पर पहुँच रही लेकिन वो लोग नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका शक जो है लगातार बढ़ते जा रहा है ये यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे बेटे को रात में बुलाया था उन्हीं लोगों ने जो उसकी हत्या की है हत्या का, का कारण क्या है किसने हत्या की है ये जानकारी अभी तक न्यू टीवी वी सिवान को नहीं हो पा रही है लेकिन इसकी भी जानकारी जब आएगी तो इसकी भी अपडेट आपको हम इस चैनल के माध्यम से देंगे अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी अभी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूट टी वी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ में बेल आइकन घंटी को दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताजा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो जिस तरह से हमने देखा कि टीवी सिवान से की टीम सिवान जिले के बसमपुर थाना था क्षेत्र के मोड़ा से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है इस तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे तो बड़े हमारे भी देखते रहिए न्यूटी टीवी सिवान से संवाद तंत्र तिवारी की रिपोर्ट